दो महीने पूरे इस कौम को देना चाहता हूं कि वो देखें कि आफाक अहमद की बात में कितनी सदाकत है, कि इन मुतालबात से मसला हल होता है या नहीं। दो महीने देखो कि वफाक तुम्हारे मैसूर ने मशरकी पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट जारी करती है या नहीं। इन दो महीनों में देखो कि कोटा सिस्टम खत्म होता है या नहीं। इन दो महीनों में देखो कि यहां पे जो लड़काना और दादू से पुलिस वाले लाके बिठाए उन्हें वापस भेजा जाता है या नहीं। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो पहली मार्च से इस सूबे की तहरीक के लिए दस्तखती मुहिम पूरे सिंध में जारी की जाएगी। और दस्तखती मुहिम के बाद कोई कहे दस्तखती मुहिम से सूबा थोड़ी बनता है, तो मैंने कहा आइन के अंदर तो पाकिस्तान बनाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, हमने बदमाशी से अपनी ताकत पे पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान के आइन के अंदर सूबे बनाने के कवानीन कुछ भी बना लो, अगर ये कौम फैसला कर लेगी कि सूबा बनेगा तो हम आग के दरिया पार करके इस मुल्क को बनाने वाले लोग हैं, हम आग का दरिया पार करके अपनी आने वाली नस्ल के लिए सूबा बनाकर दिखाएंगे। हम पहली मार्च से दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे और पहली मार्च के बाद दस्तखती मुहिम 23 मार्च तक चलेगी और 23 मार्च को हम इस सूबे के हक में पूरे सिंध के शहरी इलाकों में